भदोही में 8 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार्रवाई शुरू की। यह घटना चौरी थाना क्षेत्र की है। परिवार वालों ने मासूम के साथ रेप और फिर हत्या का आरोप लगाया है। शादी ब्याह पड़ा था, उसी में नाच बाजा जो किए थे और 8-9 बजे तक हम लोग खा पी के चले गए घर। और उसके बाद रात में अब क्या किए क्या नहीं किए साहब, अब वो कित हम नहीं देख पाओ। सवेरे हमें लाश मिली एक गड्ढे में, हमारे घर के लगभग 10 बीघा दूरी पे। हम वहाँ गए तो देखे और उसका भाई बलात्कार करके उसको मार दिया गया है। अभी हमको तो शक किसी पे नहीं है, लेकिन आप भाई हमारा भाई कानून हमको मदद दे हमको। अभी तक परिजनों से बातचीत और लोगों से बातचीत में ये जानकारी आई है कि कल रात में बच्ची के घर पे कोई शादी का फंक्शन था जिसमें डीजे और खाने पीने का इन सब लोगों ने किया था। और उसी में बच्ची के जो माता पिता हैं उनको लगा कि बच्ची कहीं सो रही होगी। रात में उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तलाश नहीं किया और सुबह ये सूचना उनको मिली। उन्होंने जब पुलिस को बताया तो तुरंत पुलिस पहुंची। इसमें बच्ची का जो शव है उसका पोस्टमार्टम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ मेडिकल बोर्ड के पैनल से करवाया जा रहा है।